हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नरेशन, और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं नरेशन क्या होता है, नरेशन क्यों हम लोग पढ़ते हैं और ये कितने टाइप का होता है, और टेंस चेंज करने का नियम भी देख चुके हैं। तो जिसमें प्रेजेंट टेंस पूरा और पास्ट टेंस पूरा हो चुका है, और आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस और कुछ मॉडल वर्ब्स को देखेंगे कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होता है तभी ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, यानी विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट हैड टू या फिर मस्ट में ही रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया है जूही सेड सी विल कम टू हर विलेज। जूही बोली वह अपने गाँव आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और विल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा। यानी जूही सेड दैट सी वुड कम टू हर विलेज। जूही बोली कि वह अपने गांव आएगी। तो यहाँ पे विल जो है वुड में चेंज हो गया है। ओके, क्योंकि ये जब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेल गो टू उत्तराखंड। यहाँ पे जो है मैं बोली मैं उत्तराखंड जाऊंगी, तो इसका इनडायरेक्ट होगा आई सेड दैट आई शुड गो टू उत्तराखंड। मैं बोली मैं उत्तराखंड जाऊंगी। तो यहाँ पे ये हमारा पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे चाहिए नहीं आएगा बल्कि जाऊंगी ही सेंस आएगा। और सेल हमारा किस में चेंज हो गया, शुड में। ओके, फिर इसके बाद देख लेते थोड़ा मॉडल्स। ये हमारा फ्यूचर टेंस है और मॉडल्स में देख लेते हैं। दे सेड टू मी दे कैन डू दिस वर्क। वे मुझसे बोले वे इस काम को कर सकते हैं। तो कैन को हमें किस में चेंज करना है, कुड में। तो यहाँ पे दे टोल्ड मी दैट दे कुड डू दैट वर्क, और यहाँ पे दिस जो है दैट में चेंज हो जाएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने का नियम है, इसमें आगे वीडियो में ये बता देंगे। फिर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे दे टोल्ड मी, वे मुझसे बोले कि दे कुड डू दैट वर्क, कि वे इस काम को कर सकते थे। अब इसके बाद जो है रिया सेड टू जिया सी मे गो टू होम। यहाँ में किस में चेंज होगा, माइट में चेंज हो जाएगा। तो यानी रिया टोल्ड जिया दैट सी माइट गो टू होम। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो ये रहा चार सेंटेंस जो आपके लिए है, इसे आपको करना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, तो एक्सेप्शन यानी अपवाद आते हैं, इस रूल का विरोधक होते हैं, कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता, कब नहीं आता है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सांसारिक सत्य हो। जैसे कि एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अध्यापक बोले सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य का उगना जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि ये पूरब में उगता था, उगता उगता रहेगा, यानी पूरे संसार की ये बात है कि पूरे संसार में ही पूरब से ही सूर्य निकलता है, दैट्स वाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसके टेंस में अगर हम यहाँ देखें तो कोई चेंजिंग नहीं आया है। यानी यहाँ पे जैसे द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आती है और क्या हैबिचुअल एक्शन आते हैं, आदत संबंधी कार्य आते हैं, तो भी वहाँ का टेंस नहीं चेंज होता। जैसे कि जॉन से आई डू योगा डेली। जॉन बोला मैं योगा रोज करता हूँ। तो यहाँ पे योगा करने की जो बात है वो जॉन की आदत है, तो इसकी वजह से इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आया। यानी जॉन सेड दैट ही डज योगा डेली। जॉन बोला कि वह डेली योगा करता है। बस ये पर्सन आई जो है चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ गया। ये पर्सन चेंज करने के नियम में बताएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैक सेड टू मी, मैक ने मुझसे बोला ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में रोज टहलता है। तो यहाँ पे जो टहलने की बात है वो उसकी आदत है, वो डेली करता है इसे। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसकी इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी मैक टोल्ड मी दैट ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। मैक ने मुझसे कहा कि वह सुबह में रोज़ टहलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।